फैट मैन, एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन, और लिटिल बॉय, एक यूरेनियम गन टाइप फिजन वेपन। 6 साल से दुनिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और चाइना एक तरफ, जर्मनी, जापान और इटली दूसरी तरफ। 26 जुलाई को जापान को वार्न किया गया कि सरेंडर ना करने पर प्रॉम्प्ट और अटर डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जापान ने इस वार्निंग को टाल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो आज भी इतिहास में छपा इंसानियत पर एक काला धब्बा है। जापान में 6 और 9 अगस्त के बीच 2 अलग अलग जगहों पर एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किए गए। हिरोशिमा के 140,000 और नागासाकी के 74,000 लोग अपनी जान गवा बैठे। और आज इतने सालों बाद भी जापान अपने उस जख्म को भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2011 में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान के पुराने जख्मों को खरोचने की कोशिश की, और इस बार इंसानों के साथ साथ नेचर का भी उतना ही हाथ था। आज से 11 साल पहले जापान का आज तक का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला और सबसे खतरनाक अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था। इस नेचुरल डिजास्टर ने हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, और तो और आने वाली पीढ़ी को भी एक इनएविटेबल डेंजर के दरवाजे पर छोड़ दिया। वही इनएविटेबल डेंजर जिससे आज चेर्नोबिल 36 साल बाद भी गुजर रहा है। दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर बैक देन इन जापान, नाओतो कन, डिस्क्राइब्स द इवेंट्स दैट अनफोल्डेड इन 2011। In the 65 years of the end of World War II, this is the toughest and the most difficult crisis for Japan. 11 मार्च 2011 दोपहर के ठीक 2:46 पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन के नीचे जापान का आज तक का सबसे डेंजरस अर्थक्वेक स्ट्रक हुआ। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड आपको ये कन्विंस करने के लिए काफी होगा कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड जस्ट सो यू विल नो कि ये अर्थक्वेक इतना इंटेंस था कि अर्थ की एक्सिस 6.5 इंचेस से शिफ्ट हो गई और डे टाइम 1.26 माइक्रोसेकंड से शॉर्टन हो गया। जापान के होनशु आइलैंड पर धीरे धीरे वेव्स रिट्रीट करने लग गए और समंदर की तरफ से मिस्ट आते हुए नजर आई, और इस सुनामी का असर जापान के पैसिफिक कोस्ट के 400 किलोमीटर तक हुआ, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 450,000 से भी ज्यादा लोगों के व्हीकल्स और उनके घर सब सुनामी में बर्बाद हो गए। जापान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस सुनामी की वजह से तहस नहस हो चुका था। और इस सिचुएशन को और बदतर बनाने के लिए एक और ऐसा इंसिडेंट अनरिवील हो रहा था। ओकुमा टाउन में बसा फ्यूशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक माना जाता था। यहाँ 6 रिएक्टर्स थे। समंदर के एकदम एज पर बने इस पावर प्लांट को एक सी वॉल से घेर लिया गया था ताकि अगर कभी सी लेवल राइज हो जाए तो पानी रिएक्टर्स तक पहुँचने से रुक जाए। वैसे तो नॉर्मली 3 तरह की सिचुएशंस में अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये पावर प्लांट बना था, अर्थक्वेक, सुनामी और टेररिस्ट अटैक। लेकिन 11 मार्च 2011 की दोपहर अपने साथ एक को नहीं बल्कि 2 डिस्ट्रक्टर्स को लेकर आई थी, जिसके लिए फ्यूशिमा पावर प्लांट बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहां आगे क्या होने वाला था ये समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कैसे करता है। एकदम आसान शब्दों में बताया जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को बॉयल किया जाता है ताकि उसे स्टीम में कन्वर्ट कर सके और प्लांट में टर्बाइंस को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। लेकिन पानी को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर कोई फ्यूल नहीं बल्कि एक स्पेशल रिएक्शन करता है जिसे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बेस रिएक्टर में होता है। रिएक्टर्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्यूल रॉड्स जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम से बने होते हैं। जब एक यूरेनियम एटम को एक न्यूट्रॉन आकर स्ट्राइक करे तो 2 यूरेनियम एटम्स में स्प्लिट हो जाते हैं। जब फ्यूल रॉड्स में भरे यूरेनियम इस रिएक्शन स्टेट में आ गए तो रिलीज हुई न्यूट्रॉन्स फिर किसी और यूरेनियम एटम को स्ट्राइक करके उन्हें स्प्लिट कर देते हैं, रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन्स अगेन। इन न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट किए जाते हैं विच आर रिमूवेबल। दीज न्यूट्रॉन्स कंट्रोल द रिएक्शन एंड इन टर्न द हीट। ये फिर एक चेन रिएक्शन बन जाती है जिससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है। दिस इज द हीट दैट बॉयल्स द वॉटर अप टू द स्टीम। यही स्टीम फिर हाई प्रेशर पाइप से एक टर्बाइन तक लाई जाती है। यहाँ ये टर्बाइन स्पिन होने लगता है और उससे जुड़े जनरेटर्स भी घूमने लगते हैं। दीज जनरेटर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया भर में 10% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है। अब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लार्ज स्केल
कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सोर्स है। इनसे कोई भी हार्मफुल गैसेस का एमिशन नहीं होता। लेकिन जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एक क्लीन एनर्जी का सोर्स माना जाता है, वहीं ये एक कॉन्ट्रोवर्सी का भी हिस्सा बनकर रह गए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से न्यूक्लियर वेस्ट बहुत डेंजरस होता है। उसे हजारों साल तक मैनेज करके रखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रोसेस में जो फिसाइल सब्सटेंस यानी कि जो फिजन रिएक्शन के बाद बना हुआ सब्सटेंस होता है, उससे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, विच इक्वल्स टू सेंचुरीज ऑफ रेडिएशन एंड मिलियंस ऑफ लॉस्ट लाइव्स। और हाँ, न्यूक्लियर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस एंड मिस्टेक्स एंड नेचर्स रॉथ्स आर इनेविटेबल। और इन्हीं ह्यूमंस मिस्टेक्स और नेचर्स के इनेविटेबल रॉथ का सबसे भयानक एग्जाम्पल कड़ी दोपहर में जापान के फ्यूशिमा दाइची पावर प्लांट में अनफोल्ड होने वाला था। 2:46 पर पावर प्लांट ने अर्थक्वेक डिटेक्ट कर लिया था। ये होते ही जो रिएक्टर्स एक्टिव थे उनमें और इंसर्ट करके उसे शटडाउन किया गया। इस शटडाउन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रुक गई और डीजल जनरेटर्स शुरू हो गए। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कायम होना बहुत जरूरी होता है और उसी वजह से कूलेंट कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करके रिएक्टर को ठंडा रखने में मदद करता है। इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स उसी कूलेंट को सर्कुलेट करने का काम कर रहे थे, क्योंकि फिजन रिएक्शन रुकने के बाद डिके हीट जनरेट होती रहती है और रिएक्टर के कोर का टेम्परेचर बढ़ाती रहती है। पावर सप्लाई जारी रखने के लिए इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स भी ऑन थे और रिएक्टर के अंदर की हीट एकदम कंट्रोल में थी। लेकिन अर्थक्वेक यहाँ पर मेन डिस्ट्रक्टर था ही नहीं। यहाँ मेन डिस्ट्रक्टर थी उसी अर्थक्वेक से जनरेट हुई 46 फीट ऊंची सुनामी वेव। विद इन सेकेंड्स द रिएक्टर्स नंबर 1 and 4 वर फ्लडेड विद वाटर फॉर नो गुड रीजन। इसी पानी की वजह से जो डीजल जनरेटर्स कूलेंट को सर्कुलेट करके रिएक्टर्स में बढ़ रही हीट को कंट्रोल कर रहे थे, वो भी फेल हो गए। रिएक्टर के अंदर की हीट अब बढ़ती ही जा रही थी और उसे ठंडा रखने के लिए कोई भी कूलेंट सर्कुलेट नहीं हो रहा था। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज होती है, जो रिएक्टर का कोर होता है वो ओवरहीट होने की वजह से मेल्ट होने लगता है, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेल्टडाउन। न्यूक्लियर मेल्टडाउन होने पर रेडियो एक्टिव मटेरियल अगर न्यूक्लियर कंटेनर से बाहर आ गए तो पूरे एनवायरनमेंट को डेंजरसली कंटामिनेट कर सकते हैं। फ्यूशिमा के इस पावर प्लांट में 3 न्यूक्लियर मेल्टडाउन हुए और यूनिट 1, 2 और 3 में रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन रिलीज होने लगा। प्लांट के अंदर भी कई सारे केमिकल एक्सप्लोजन हुए और उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई। रेडियो एक्टिव मटेरियल अब बिल्डिंग से आसपास की जगहों में और स्पेशली समंदर में फैलने लगा। ऐसा होते ही गवर्नमेंट अलर्ट हो गई और उन्होंने प्लांट के आसपास की 20 किलोमीटर की जगह को इवैक्यूएशन जोन डिक्लेयर कर दिया। डैमेज रिएक्टर्स की वजह से बढ़ती आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से करीब 1,10,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने घरों को पीछे छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल INES एक 1990 में इंट्रोड्यूस की गई स्केल है, जिसके हिसाब से फ्यूशिमा में हुए न्यूक्लियर एक्सीडेंट को पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक किया गया है। इस रैंक में दुनिया का एक और सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बसता है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसमें करीब 3,55,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था। चेर्नोबिल के उस भयानक डिजास्टर में 29 वर्कर्स की जान इमीडिएट ब्लास्ट और अक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम की वजह से चली गई। फॉलोइंग द डेथ ऑफ फायरमैन एंड वर्कर्स हु ट्राइड टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्यूचर लीक्स। ऑन द अदर हैंड, यहां फ्यूशिमा में किसी भी वर्कर की इमीडिएट नहीं हुई और ना ही उन्हें किसी रेडिएशन सिकनेस से गुजरना पड़ा। लेकिन जब जापान की गवर्नमेंट ने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए कहा, तब अग्रेसिव रिलोकेशन की वजह से हजार लोगों की जानें चली गई, जिनमें से ज्यादातर लोग अपने लेट 60s में थे। अब फ्यूशिमा में हुए इस डिजास्टर्स को ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स इतना भी डेंजरस नहीं मानते, स्पेशली अगर उसे चेर्नोबिल से कंपेयर किया जाए तो। ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि फ्यूशिमा के इस डिजास्टर को अवॉइड किया जा सकता था। ये पाया गया कि नेचुरल क्लाइमेटी से ज्यादा इंजीनियरिंग और रेगुलेटरी फेलियर्स की वजह से फ्यूशिमा आज तक का तीसरा सबसे खतरनाक NPP डिजास्टर माना जाता है। उस रीजन में लार्ज सुनामी के चांसेस थे। बेस्ड ऑन अर्लियर इंस्टेंसेस उस एविडेंस को इग्नोर किया गया था। वो सबडक्शन जोन था, यानी कि एक ऐसा जोन जहां पर डेंजरस अर्थक्वेक्स कभी भी हो सकते हैं। तो इस रीजन में न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करते वक्त एक्स्ट्रा केयर लेना जरूरी नहीं समझा गया। दाइची प्लांट में मैक्सिमम प्रोबेबल सुनामी कैलकुलेट करते वक्त कई
कई सारे मेथोडोलॉजिकल मिस्टेक्स किए गए थे, जिसकी वजह से प्लांट को सुनामी रिस्क कंसिडर करके ठीक से इंजीनियर नहीं किया गया था। उसके अलावा जापान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में कई सारे फेलियर्स थे जिन्हें इंटरनली कंसिडर नहीं किया गया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान में रख के मैं आपसे पूछूं कि फ्यूशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को आप किस कैटेगरी में डालोगे, नेचुरल या मैनमेड, तो आपका जवाब वही होगा जो कई जापानीज इन्वेस्टिगेटर्स का है। एक्सीडेंट एट फ्यूशिमा दाइची पावर प्लांट वाज अ मैनमेड डिजास्टर। ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट एंड एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट डॉक्टर हेलेन कैल्डिकॉट जैसे कई सारे साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि फ्यूशिमा चेर्नोबिल से भी ज्यादा डेंजरस है। टू पुट इन वर्ड्स ऑफ क्रिस बस्पी एट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर, फ्यूशिमा इज स्टिल बॉइलिंग इट्स रेडियो न्यूक्लियर्स all over Japan. Chernobyl went up in one go, so Fukushima is worse. Nuclear and Industrial Safety Agency के हिसाब से ये पता चला कि प्लांट ने 15,000 terabecquerels जितना cancer causing cesium release किया, जो कि Hiroshima के bombing के comparison में 168 times ज़्यादा है। पहले जो officials residents को assure कर रहे थे कि radiation इतना भी बुरा नहीं है, उन्हीं ने कुछ दिनों बाद ये admit कर लिया कि प्लांट के आसपास बने हजारों घर generations तक ऐसे ही लाइफलेस रहेंगे और वहाँ रेजिडेंट्स का जाना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। जब ऑफिशियल्स ने रेजिडेंट्स को अपने कुछ इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स कलेक्ट करने अपने घर आखिरी बार वापस जाने दिया, तब वो अपने घरों की हालत देखकर ओवरवेल्म हो गए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कभी कोई इंसान रहा ही नहीं। फ्यूशिमा डिजास्टर के बाद 200 जापानीज पेंशनर्स ने इस न्यूक्लियर क्राइसिस को टैकल करने के लिए वॉलंटियर भी किया। ये सारे लोग 60 से बढ़कर एज के रिटायर्ड इंजीनियर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, जिनका ये मानना था कि अगर रेडिएशन का डेंजर सहन करना ही है तो हम सहन कर लेंगे, ना कि यंगर जनरेशन। फ्यूशिमा और चेर्नोबिल के इन डिजास्टर्स को कंपेयर करते रहे तो उनका कोई एक कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन आज भी इन न्यूक्लियर डिजास्टर्स का शिकार हुए इन सिविलियंस की जिंदगी अधूरी ही है। 11 मार्च 2011 पूरी दुनिया के लिए एक सिंपल सी डेट थी, जिसे गुजरे 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहां के लोग उसी पास्ट को बार बार जी रहे हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर।